चलिए ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास स्टार्ट हो रहा, ध्यान देना है। अब आप लोग को HW में दो तीन हिसाब दिया जाएगा, अब सिखा दिए हैं। बोला है यदि टीचर को क्या लिखा है, स्टाफ को 17, मैनेजर को 25, तो बोला ट्रू को क्या लिखा जाएगा। मानो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हम डेली पढ़ने जाते हैं, सेट देते ना, उसमें एक क्वेश्चन फिक्स आता है, और एक नहीं दो दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस बार हम अच्छा से कंप्लीट रूप से सीख लो, अच्छा से कभी भी एग्जाम में पूछे तो आपको से बन जाना चाहिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले सोल्यूशन, टीचर ने बोला TECHER, टीचर में 25। अगर मान लिया जाए इसको काउंटिंग करते, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 के ऊपर 49 होता ये तो पहला ही कैंसिल हो गया। यस, 7 का क्यूब ही से कम है कि नहीं है। अब इसमें बताओ, इसका नंबरिंग करते हैं तो टी 20 पर आता है, फिर ई 5 पर आता है, ये भी खत्म हो जाए कंडीशन। अब यहाँ पर एक कौन सी कंडीशन लगाया हो रहा है, या भावेल या कॉस्ट, यही लगाया हो रहा है। तब भावेल और कॉस्ट, क्लियर। तब भावेल बच्चे होता है ए ई आई ओ यू, ये ना होता है। तब भावेल पहचानो, 1 2 3 4 तीन भावेल है रे, ई ए ई, तीन भावेल। तो तीन के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, यही ना होगा। मानो तीन रो भावेल है और 4 रो कांस्टेंट है, और ये दोनों के स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, 9 25। 25 दिया है ना। आर कंडीशन में लगाते हैं स्टाफ एस टी ए डबल एफ, यहां पर ही बताना कांस्टेंट और भावेल, भावेल एक रो क्या होता है, ए रो, इसका स्क्वायर कर दो, कांस्टेंट के रो है 4 के स्क्वायर कर दो, ये 17 दिया है, 4 के स्क्वायर 16 है। अब डायरेक्ट ट्रू पर चल जाओ, टी आर यू क्या है, एक का स्क्वायर ना और 3 का स्क्वायर कितना हो गया रे, ये दो ना है बुआ, यू भी भावेल बैठो, चप्पल बाहर रहे, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ बेंच पर, जगह मिलता उसमें बैठ जाओ, इस साइड बैठो जनाब, अच्छा से फिर अच्छा से बैठ। तब बताना भावेल इसमें क्या रो है, दो रो, और कांस्टेंट जरूर था दो रो ना बुआ, तब दो टेस्ट पर जितना और दो टेस्ट पर 4 4 8 ऑप्शन में है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, तो ध्यान देना इस समय टाइम बहुत कम मिलता है, क्लियर। चलो उतारो जल्दी, इससे पीछे उतारेंगे सर, शुरू से निकला समझा देते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, यदि वाई बराबर 50, क्लियर, तो डी डी ए बराबर दिया है 18, तो पूछा है फाइंड है कि एच ए के बराबर, ऑप्शन ए में है 42, बी में है 40, सी में है 37 और डी में है 48। ध्यान देना, बाई किन में लेटर पर आता है, 25 में लेटर पर आता है, तो बाई बराबर 50 दिया है, इसका मतलब बाई का वैल्यू 25 है, और इतना बराबर कितना दिया 50, तो ये स्क्वायर भी नहीं है ना, ये क्यूब है, इसमें क्या क्या 25 में 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो आगे चेक करते हैं डी डी ए, और डी के ऊपर आता है 4, और ये भी 4, और ये 4 4 8 है 9, 9 में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 18 डाल दिया है ना। तो हाइट में बता दो एच ए एच के ऊपर 8 पर, ए के ऊपर 1 पर, और के 11 पर, 11 8 12 12 8 20
बीस में दो से मल्टीप्लाई कर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन समझ में आया दिमाग पर चेक कर देता है सबसे अच्छा मैथ इसी को हम मानते हैं जल्दी चलो हाँ पांच रो पूछता है जब मैं पांच रो नर्सिंग में नहीं पूछता नर्सिंग में भी पूछता है जीडीएम भी पूछता है जीडी में चलिए बहुत अच्छी बात लिखो यदि मार्च बराबर यदि मार्च एम ए आर सी एच मार्च बराबर दिया पचास जून बराबर जे यू एन जून बराबर दिया है 32 तो अगस्त बराबर भाट ए यू जे यू एस टी बराबर भाट ऑप्शन दे रहे ध्यान देना ऑप्शन ए में है 68 बी में है 72 80 में है 78 और डी में है 76 इतना देर पड़ेगा भाई इतना तो एग्जाम में छूट जाएगा जल्दी करो एक्सीडेंट अरे देखो भैया मार्च का जब कोड डालेंगे ना तो ए माता 13 पर एक 14 पर आता 8 पर आता 18 पर आता हो रहा ये तो ज्यादा हो रहा 50 का किया है देखो इसमें लेटर गिन दो 1 2 3 4 5 है ना बुआ इसका स्क्वायर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा क्लियर तो आगे चेक करो ना जून में के लेटर है इसका स्क्वायर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब लास्ट में के लेटर है बोलो 2 6 6 के स्क्वायर अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो 72 72 6 के स्क्वायर 36 36 गुना 2 12 ऑप्शन है रे इतना देर कीजिए ना तो बने रहे एग्जाम में समझ में आ रहा तुम लोग के हां ये कोड बत लगाएबे ना करेगा सर आगे हां आ जाने होता कहां इसमें प्लस माइनस गुना भागा स्क्वायर होता तो क्यों होता है इसके अलावा कुछ नहीं होता है जो कि बचपन में संपर्क है अभावे कांस्टेंट अभी तक यूज आ जाता है देखो बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में मिटा ले हंसता ही पागल है इसका मजा आएगा क्वेश्चन में तो ठीक है ना धीरा सर ने देने की इतना कम उम्र में इतना तुम लोग सिखा दिया दूसरा टीचर सिर्फ रुपया तीरता सिलेबस भी तुम लोग ने 9-10 में कंप्लीट कर दिया है ना एग्जाम में बन जाता है ना दसमो सिखा जनरल कॉम्पिटिशन भी सिखा आगे लिखिए ना यदि सुपर एस यू पी ई आर सुपर को लिखा 63 सी एल ए डबल एस क्लास को लिखा है 20 तो सर फाइंड स्टडी एस टी यू डी वाई स्टडी बराबर भाग ऑप्शन ए में है 72 बी में है 89 सी में है 65 और डी में है 48 जल्दी बताओ इतना देरी अरे जाम में छूट जा रहा कोड याद ना क्या है एबीसीडी अरे बता रहे हैं अभी दिक्कत है अरे देखो ना ए स्टेप पर आता 19 पर आता होगा ना हां तो इधर ज्यादा हो जा रहा आर भी आता है 18 पर ना तो ये 63 से भी ज्यादा आता है इसमें कांस्टेंट भाव में लिखा होगा देखो एस यू पी ई आर जब कोड से ज्यादा आते पता ना चले ना तो कांस्टेंट भाव में चले जाना क्लियर और सबसे बड़ा नंबर रहे तो स्क्वायर या क्यूब पर चले जाना क्लियर तो यहाँ बताओ भावेल और कांस्टेंट जानते हो भावेल होता है क्या वो और कांस्टेंट क्या इसको तो भावेल बताना भावेल कौन है तो दो टा स्क्वायर और यहाँ कांस्टेंट क्या है इस टा स्क्वायर क्या है दो टा स्क्वायर और यही हो गया कितना हो गया 13 कहीं नजर आ रहा है कुछ हो तेरा किस हो गया छत्तीस का होगा तो 36 के पलट दिए 63 लिख दिया है अच्छा पलट दिया हाँ हाँ तो ये चार हुआ आई कितना नौ नौ छत्तीस के 63 और नौ चार
इसी तो उलट दिया इकाई तो है जानता है तो इतना जब उलटा तो इसमें भी उलटा होगा स्टडी पढ़े चलो एस टी यू डी वाई इसमें भावेल प्रोस्टेंट बताओ भावेल और प्रोस्टेंट के रहा है एक रहा है तो इसका टॉची स्क्वायर आने गुना का साइन ना के रहा बच्चा प्रोस्टेंट चार तो बताओ एक 16 17 17 17 उलट दो 71 हाय ऑप्शन ना कोई ऑप्शन ना है ऑप्शन के गए ऑप्शन नहीं दिया रे 17 एक ऑप्शन गलत सही किया ना बीच वाला करके देखिए स्टेप के लिए मॉडल फर्स्ट नंबर 4 17 हाँ सही तो है 17 इंटू 1 मल्टीप्लाई 17 17 तो उलट दे रहे 71 यहाँ पर 71 का है यस तो 16 में लिखते 4 का स्क्वायर 16 ना 4 का स्क्वायर 16 हाँ 16 इस 17 17 तो उलट दो तो 71 तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हम तीन हिसाब आप लोग तो दे रहे हैं घर से बनाइएगा क्लियर आए लिखो यदि पांच बराबर आठ दिया है तथा चार बराबर दस हो तो तीन बराबर भाग ऑप्शन दे दे रे ए में पांच बी में छह सी में नौ और डी में 16 क्लियर आगे दिया यदि डी बराबर 16 सी बराबर 9 तो फाइंड एफ बराबर बहुत लव पैसा लेनी है 600 पामा से पैसा दे रहे 400 कौन हिसाब से दर्शन 400 रहे एक दो तीन 1000 ड्यू जो लो पैसे तो भी लेगा जल्दी जल्दी जमा करें तो ये दो हिसाब बन जा रहा है आपको सुना तो एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना क्लियर है और हम पढ़ा रहे हैं